हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अंबिकापुर। तो गाइस, अंबिकापुर के लॉकडाउन खुलने के बाद आज हम लोग पहली बार जा रहे हैं, मतलब कि खुलने के बाद अंबिकापुर, और शॉप वगैरह भी ओपन हो रहा है। तो इसको शॉपिंग कराना है, क्योंकि 2-3 महीना से इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, शॉपिंग के लिए चिल्ला रही थी बार बार। तो चलिए, व्लॉग को पूरा आखिर तक कंटिन्यू देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अंबिकापुर के लिए, और इधर का व्यूज़ देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये साढ़ भर से पीछे वाला पार्ट है, और इधर जंगल लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखिएगा तो पत्थर ही पत्थर भरा हुआ है। और दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ अधिकतर एल्बम शॉर्ट मूवी वगैरह शूटिंग किया जाता है, फोटोशूट भी किया जाता है यहाँ पर। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर फोटोशूट के लिए, बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं, और आज का मौसम भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और जगह के हिसाब से और मौसम भी प्यारा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। और बहुत दिनों के बाद हम लोग निकले हैं घर से, तो इन्जॉयमेंट करते करते जा रहे हैं रुकते रुकते। तो एक आध दिन यहाँ का एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा मैं। तो चलिए अब और चलते हैं अंबिकापुर जल्दी से, क्योंकि काफ़ी धूप भी हो रहा है। और गाइस, हम लोग इन्जॉय करते करते यूँ ही पहुँच गए अंबिकापुर, और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा हुआ है। बाइक की संख्या देखकर आप लोग पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है, लेकिन हाँ, मास्क सभी के फेसों में लगा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और सभी शॉप वगैरह ओपन हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, इसकी वजह से शॉप वगैरह पूरा ओपन हो रहा है। और देख सकते हैं बाइक वगैरह भी चल रहा है, पहले जैसा एकदम भीड़ भाड़ लगा हुआ है। तो चलिए गाइस, अब इसको मैं अपनी वाइफ को शॉपिंग कराता हूँ, इसके बाद और अगली जगह घूमने जाएंगे कहीं और। तो चलिए, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, और इसको पहले शॉपिंग करा लेते हैं। तो शॉपिंग कराने में 3-4 घंटा तो यूं ही लग जाएगा, क्योंकि गाइस, इन लोग को कोई भी चीज़ आसानी से पसंद तो आता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 महीने के बाद आई है शॉपिंग करने। तो समझ सकते हैं आप लोग, आज मेरा पूरा जेब खाली होने वाला है। वैसे चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इसका बर्थडे भी आ रहा है बहुत ही जल्द, तो उसके लिए पूरा शॉपिंग कर लेते हैं पहले, क्या पता फिर से लॉकडाउन मत लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देख सकते हैं शॉप का व्यूज़ कुछ इस तरीके से, बहुत ही अच्छा अच्छा ड्रेसेस आए हुए हैं। अब चलिए पूरी तरह से इसको शॉपिंग मतलब कि कराते हैं, एक दुकान में तो हो नहीं पाएगा, तो इसको 3-4 शॉप में लेकर के जाना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। बारह बजे पहुंचे थे, और दोपहर का 3 बज चुका है, शॉपिंग करते करते 3 घंटा शॉपिंग करना पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। और देख सकते हैं फुल्की खा रही है बेचारी, थक गई है शॉपिंग करते करते, और सारा बोझा मेरे को थमा दी है। अब इसके बाद चाट खाएगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई है, और चाट और फुल्की और चना चटपटी इसका बहुत ही फेवरेट है। अब इसका चाट भी ख़त्म होने वाला है, चाट भी खा करके ख़त्म कर ली है, और मैं तो ऑलरेडी खा करके ख़त्म कर लिया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा था। अब चलिए आपको घड़ी चौक का कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ कि अभी किस तरीके से दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं पूरी तरीके से लॉकडाउन ओपन हो गया है, और पहले जैसा पूरा माहौल दिख रहा है, देख सकते हैं। और घड़ी चौक में सबसे बेहतरीन और लाजवाब चना चटपटी बनाने वाले हमारे भाई साहब सोनी जी के पास हम लोग अब चना चटपटी खाते हैं, और इनसे बनवाते हैं चना चटपटी, क्योंकि इनका चना चटपटी सबसे बेहतरीन लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और चना चटपटी झारमुरा हर तरीके का आइटम बनाते हैं, जलजीरा, नींबू पानी, सभी चीज़ बनाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल चना चटपटी ही बना रहे हैं लॉकडाउन ओपन होने के बाद। और इनके बनाने का तरीका देखिए, कितना एक्सपीरियंस है, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, पहले इनके बनाने के तरीके से देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनाते हैं, क्या बोलें भाई साहब, बहुत ही टेस्टी लगता है इनका, कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी अंबिकापुर आता हूँ इनके पास ही आता हूँ चना चटपटी खाने के लिए। और आप भी आइएगा तो एक बार ट्राई करिएगा इनके पास, और इनका बनाया हुआ खा करके देखिएगा कितना लाजवाब और कितना बेहतरीन इनका टेस्ट आता है इनके चने चटपटी का। तो देखिए इनके बनाने का तरीका,
तो गाइस फाइनली चना चटपटी चाट फुल्की सब कुछ खा लिए हम लोग जो भी खाना था और चलते हैं अब घर। तो गाइस आज के व्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।